अस्सलाम वालेकुम। आज है दूसरी सबर कदर की रात, तो आज मैं फिर सारे ना जानने वाली हूँ। कुरान की तिलावत पढ़ूंगी, तिलावत करूँगी और नमाज़ पढ़ूंगी, कज़ा नमाज़ पढ़ूंगी, तस्बीह करूँगी और बहुत सारा ऐसी चीज़ें मैं करूँगी, क्योंकि इस रात में तो कोई ऐसा खास नियम बनाया नहीं गया है कि आप ये सब कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो आपको जितना हो सके आप खुद से जो है इबादत कर सकते हैं। मैंने मेरा पास एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि आज की रात की जो है चार रकात के सबे कदर की जो नमाज़ है वो अदा करने पड़ती है। तो मुझे नहीं मालूम ये सच है, मतलब बहुत ऐसा चीज़ है जो इंसान किताब जो है, अभी बहुत सारे फेक भी निकल चुके हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे फेक भी वीडियो आ चुके हैं, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो नमाज है तो नमाज़ हम पढ़ ही लेंगे, कोई सब बात नहीं, तो नमाज़ हम पढ़ेंगे जरूर आज के रात की सभी कदर की रात की नमाज़। तो तभी जाने में फिलहाल कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ मैं पढ़ती भी थी, असल में मेरा फ़ोन जो है थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो मेरा बड़ा बेटा जो ठीक करता था, तभी मैं कुरान की तिलावत करती थी, तभी मैं कुरान शरीफ पढ़ सकती हूँ। उसके बाद आप बहुत ऐसा इंसान बोलता है कि सबर कदर की रात के, तो कोई ऐसा नियम ही नहीं बनाया कि ये नमाज़ आप पढ़ सकते हैं, ये नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास एक किताब आया है, मैंने व्हाट्सएप में मुझे भेजाया गया, तो मैं वो आप लोगों को दिखला रही हूँ। किताब देखो, ये सब किताब में लिखा हुआ है, अब नजर आ रही किताब में पूरा लिखा हुआ है सब कुछ, मतलब कि 29वां रोज़ा का रात में जो हम लोग जागते हैं वो उतना दूर तक का है, सब लिखा हुआ है इसमें। तो मेरा तो पहला हो चुका है, मेरा आज मैं पढ़ने वाली दूसरी सबर की रात है, आज सबे कदर की रात है रात में। तो आज यहाँ पर लिखा हुआ है कि माह मुबारक की दूसरी सबर कदर की रात में चार रकात नमाज सलाम पढ़े और चार रकात नमाज दो सलाम से पढ़े और हर रकात के बाद सूरह फातिहा, सूरह कदर एक बार, सूरह इखलास तीन तीन बार पढ़े। तो ये सब लिखा हुआ है इसमें, और लिखा हुआ है कि सबर कदर को आठ रकात नमाज चार सलाम से भी पढ़े। पता नहीं इसमें चार रकात में पढ़ना है ना आठ रकात तक, मैंने ठीक से भी देखा नहीं इसको, मैं अच्छा से देख के तब उसमें पढ़ूंगी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर मेरी जो नमाज है वो पूरी हो गई है अभी, और उसमें लिखा हुआ है कि नमाज जब आप पूरी कर ले सलाम फिर ले तो उसके बाद से जो है 70 मरतबा जो है आपको तीसरी कलमा जो है तस्बीह गिनना है। तो मैं 70 मरतबा जा रही हूँ अभी ये करने के लिए तीसरा कलमा। मेरा जो है सभी कदर की जो मैंने आठ रकात का नमाज आप लोगों को दिखलाई वो मेरा पढ़ना हो चुका है, 70 बार जो है तीसरा कलमा भी मैंने पढ़ दिया है। तो पढ़ने के बाद अभी मैं जा रही हूँ तहज्जुद का नमाज पढ़ने के लिए। ये सब मेरी पढ़ने पढ़ने के बाद में अच्छी पढ़ लिया है, सूरह यासीन, दुरूद शरीफ और अतल कुर्सी ये सब मैंने सब कुछ पढ़ लिया। अब मैं जा रही हूँ कज़ा नमाज पढ़ने के लिए।
किया अभी तक का, तो अब मैं जा रही हूँ तस्बीह गिनने के लिए। तस्बीह अभी तक नहीं गिना है, तो तस्बीह गिन के मैं आती हूँ। दिन 20 हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ सहरी खाने, और सहरी खा के जो है थोड़ा सा फजर की नमाज पढ़ूँगी, नमाज पढ़ के उसके बाद में थोड़ा सा आराम करूँगी, अपनी बारिश करूँगी, ताकि सुबह मुझे जल्दी कपड़े लगे। दोनों बेटा था स्कूल में, तो मेरा ये आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, करती हूँ मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।